हालेलुया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये देखिए मेरे हाथ में क्या दिख रहा है आपको, है ना? दवाई की स्ट्रिप है, ये दवाई है, मेडिसिन, ठीक है? ये देखिए सब दवाई है। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन द बेस्ट मेडिसिन। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सीखते हैं, रोज उस पर मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो सबसे बेहतरीन, सबसे उत्तम, सबसे अच्छी दवाई है परमेश्वर का वचन। हो सकता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप निराश हताश हो गए हो, दवाइयां खा खा के आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो रहा है, अभी भी हाई है, 200/100, 250, आपका शुगर लेवल हाई है, दवाइयां खा रहे हैं डायबिटीज की, शुगर कंट्रोल करने की नहीं हो रहा है, स्वेलिंग की कम करने की, दर्द कम करने की, पेन किलर्स खा रहे हैं परंतु आपका दर्द कम नहीं हो रहा, यू आर नॉट गेटिंग रिलीफ फ्रॉम योर पेन। गुड वर्ड, गुड न्यूज, शुभ समाचार, खुशखबरी आपके लिए, गुड न्यूज, ग्रेट न्यूज आपके लिए, गॉड्स वर्ड इज द बेस्ट मेडिसन। हालेलुया, दवाइयां आप रोज खा रहे हो, हर एक घंटे में, हर 10 मिनट में, खा खा के आप परेशान हो गए हो, उसका कुछ अलग साइड इफेक्ट हो रहा हो, दवाइयां खा खा के रेजिस्टेंस हो गए हो, एंटीबायोटिक खा खा के, सर्दी खांसी सिर दर्द, परंतु परमेश्वर का वचन द बेस्ट मेडिसिन है, दवाई है, सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी। क्या आज आप खाने को तैयार हैं परमेश्वर का वचन? हालेलुया। देखिए बाइबल क्या कहती है, नीति वचन उसका 4वां अध्याय और उसका 22वां वचन, बड़ा सुंदर प्यारा वचन है मेरे प्रियो। वहां लिखा हुआ है, क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। जो प्राप्त होती है क्या चीज? वचन, परमेश्वर का जीवित, अनादिकाल से अनंत काल तक सदा स्थिर रहने वाला। यीशु ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी नहीं टलेगा। मत्ती 24:35। हालेलुया। और यशया 40:8 में कहता है, घास तो सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा, स्थिर रहेगा। भजन संहिता 119:89 कहता है, तेरा वचन हे यहोवा आकाश में सदा स्थिर रहता है, Forever your word is settled in heaven. Yes, ये जीवित वचन है। इब्रानियों 4:12 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल, पराक्रमी, दोधारी तलवार से भी चोखा है। हालेलुया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ले लीजिए ये परमेश्वर के वचन को, खा लीजिए। जब आप रोज पढ़ेंगे आप ताकतवर बनेंगे, तंदुरुस्त बनेंगे, आपको बल प्राप्त होगा, आपका निर्बल शरीर नया बल प्राप्त करके सामर्थ पाएगा, आप भले चंगे रहेंगे। हालेलुया, ये यीशु की इच्छा है। उस 3 यूहन्ना में लिखा हुआ है, हे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरी ये इच्छा है कि तुम जिस प्रकार से आत्मिक उन्नति कर रहे हो वैसे ही, हालेलुया, तुम सब बातों में उन्नति करो। यस,
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देखिए पढ़ेंगे तीसरा योना पहला अध्याय और उसका दूसरा वचन। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हाँ मेरे प्रियो, इट्स गॉड्स डिजायर, यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा है आप भले चंगे रहे, आप बीमारियों से आजाद हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह ने आपकी बीमारियों को क्रूस पर उठा लिया। उसको कोड़े मारे गए 39 कोड़े, एक एक कोड़े में 9-9 लोहे के हुक रहते थे, लड़ियां रहती थी, एक मार से पूरा मांस निकल आता था। इसलिए बाइबल कहती है यशया 53 उसके 5वें वचन में, पहला पत्रस दूसरा अध्याय 24वें वचन में, उसके कोड़े खाने से, उसके मार खाने से, उसके घाव से, बाय हिज वुंड्स बाय हिज स्ट्राइप्स यू आर हील्ड, उसके कोड़े खाने से, उसके घाव से आपको चंगाई मिली है। हालेलुया, ओ ले लीजिए। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, यीशु ने मुझे बोला, ओ मैं अपने लोगों को बताऊँ, ये यीशु कहते हैं मेरे बच्चों को बताओ, मैं उनकी अच्छा स्वास्थ्य चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ वो भला चंगा रहे। तीसरे यूहन्ना पहला अध्याय दूसरे वचन के अनुसार आइए एक और वचन हम पढ़ेंगे बाइबल में से। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मधु से भी मीठा है। भजन संहिता 19:10 में लिखा हुआ है, भजन संहिता 119 उसका 103 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन मधु से भी मीठा है। जब आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, आपका विश्वास बढ़ जाता है, विश्वास आ जाती है, आपकी निराशा आशा में बदल जाती है, आपकी हताशा उत्साह में बदल जाती है, आपकी निर्बलता सामर्थ में बदल जाती है। आइए देखते हैं यर्मिया 30वां अध्याय, जेरेमिया चैप्टर 30:17, वहां लिखा हुआ है मेरे प्रियो, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, यहोवा ही की यही वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, ओ तेरी कोई चिंता नहीं करता है। क्या आप अस्पताल के बिस्तर में, आपके प्रियजन अस्पताल के बिस्तर में, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, नो होप कह दिया है, डॉक्टर्स हैव गिवन नो होप फॉर यू, गुड न्यूज, ग्रेट न्यूज, शुभ संदेश, खुशखबरी, अस्पताल में जो आईसीयू में है, जो कोमा में है, यीशु की पुनरुत्थान की सामर्थ छुएगी, रोमियो 8:11 के अनुसार, ओ आपके प्रियजनों को छू लेगी, वो यीशु मसीह आपके घावों का इलाज करेगा, हालेलुया, वो आपके ठुकराए जाने को, आपके खुद के रिश्तेदारों ने इतना पैसा खर्च हो रहा है अस्पताल में, इतने दिन इतने महीने एडमिट रहा है, एडमिट रही है, ओ वो अभी भी है वो अस्पताल में, खुशखबरी, आपका एक परवाह करने वाला है, प्यार करने वाला है, आपको पसंद करने वाला है, जो चाहता है आप जीवित रहें और उसकी महिमा कर सके। दाऊद के समान आप कहेंगे, मैं ना मरूंगा परंतु जीवित रहूंगा और परमेश्वर ही की महिमा करूंगा, भजन संहिता 118:17 के अनुसार। हाँ मेरे प्रियो, आपके लिए खुशखबरी, आप जीवित रहेंगे, आपके प्रियजन, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया होगा, कोई आशा नहीं है, हमने सब तरफ से इलाज किया, आप एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, एक शहर से दूसरे शहर, कई जगह चक्कर लगा के थक गए हो, हार गए हो, यीशु आशा दे रहा है, वो बोल रहा है मैं अपना वचन भेज के चंगा करूंगा। आज वो वचन भेज के आपको आपका टूटा शरीर, आपके टूटे अंग, खराब अंग, डैमेज्ड ऑर्गन्स, डिफेक्टिव ऑर्गन्स, आपके बच्चों का हो सकता है ऑस्टिज्म, पैरालिसिस, तुतलाता हो, स्टैमरिंग, यीशु की सामर्थ छू रही है, ही इज टचिंग यू, द पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट, द कंपैशन ऑफ जीसस क्राइस्ट इज टचिंग यू, इज टचिंग यू, टचिंग यू, टेक इट, टेक इट, टेक इट, यीशु का प्यार भरा कोमल स्पर्श, करुणा भरा प्यार भरा स्पर्श आपको
छू रहा है, चंगा कर रहा है आपको, आपके शरीर में उसकी सामर्थ्य आ रही है, वो अपना वचन मेरे माध्यम से भेज रहा है और आपको चंगा कर रहा है। He sent his word and he healed your disease. He delivered them from their destruction, from their pit. वो गड्ढे में से अपना वचन भेज के निकाल लेता है। डॉक्टर ने बोल दिया हो आप मर जाएंगे, गुड न्यूज, ग्रेट न्यूज, यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया, लंबी आयु देने आया। निर्गमन 23:26 में लिखा हुआ है, ओ मैं तेरी आयु के दिन को पूरा करूंगा। आयु 5:26 में भी यही लिखा हुआ है, वो आपको लंबी आयु देगा, आपके प्रियजनों को लंबी आयु देगा। भजन संहिता 91:16 में दिया हुआ है, मैं उसे दीर्घायु से, ओ लंबी आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का काम, अपने उद्धार की सामर्थ उस पर प्रकट करूंगा। विथ लॉन्ग लाइफ ही विल सेटिस्फाई यू एंड शो यू हिज सेल्वेशन पावर। प्रेज हिम, उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें। यीशु अच्छा है, यीशु अद्भुत है, यीशु अतुलनीय है, यीशु अनोखा है, यीशु असंभव को संभव करता है, यीशु अंधकार को ज्योति में बदल देता है, आपके अंधकार को ज्योति में बदल रहा है। हालेलुया, आपकी निराशा, हताशा, बीमारियां दूर हो रही है। हालेलुया, ले 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 ले, हालेलुया। ओ वो प्यारा परमेश्वर है, प्यारा यीशु मसीह है। मेरे प्रियो भाइयों बहनों, भजन संहिता 105:37 वचन में लिखा हुआ है, ओ वह इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया, उनमें से कोई भी निर्बल ना था, कोई भी बीमार नहीं था, वो एक यात्री थे। देवर ओ मिस्र की गुलामी में से, बयाबान से, रेगिस्तान में, ओ बड़ी धूप, गर्मी, तापमान 50 डिग्री का करीब, ओ इतनी विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी परमेश्वर ने उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दिया, कोई बीमार नहीं हुआ। हालेलुया, कितने लाख की भीड़ थी। बाइबल विशेषज्ञ बताते हैं मेरे प्रियो, अगर हम पढ़ेंगे गिनती की किताब, कितने लोग थे मेरे प्रियो, आइए देखेंगे। आपको सोच रहे होंगे अरे इतने करोड़ों लोग हैं, मेरा क्या वैल्यू है। नहीं, आप मूल्यवान हैं, यीशु ने आपको खून से अपने खरीदा है मेरे प्रियो। आइए देखते हैं, ओ गिनती की किताब 1 अध्याय और उसका 46वां वर्स, और वे सब गिने हुए पुरुष मिलाकर 603,550 पुरुष थे, है ना। और गिनती की किताब 2:32 में भी लिखा हुआ है, वे सब मिलाकर 603,550 पुरुष थे। तो उनके पत्नी, परिवार, बच्चों को मिला लें, 4, 5, 6 बच्चे, तो करीब 20-25 लाख की भीड़ थी। और भजन संहिता 105:37 में लिखा हुआ, कोई भी निर्बल नहीं था। डिवाइन हेल्थ, गुड हेल्थ इज द विल ऑफ गॉड, हालेलुया। ओ जब मरकुस 1 अध्याय में हम देखते हैं, जो इस दुनिया में परमेश्वर जो देहधारी हुआ यीशु मसीह के रूप में, गॉड मैनिफेस्टेड इन फ्लैश इन द फॉर्म ऑफ जीसस, यस, उसने क्या किया मेरे प्रियो, जब वो इस दुनिया में था। मरकुस 1 अध्याय हम देखेंगे और उसका 40-42 तक, उसमें दिया हुआ, एक कोढ़ी उसके पास आया, कोढ़ी मतलब जिसका मांस गल रहा है, हड्डियां दिख रही थी, भयानक कोढ़ी, ऐसी स्थिति, समाज से नफरत, समाज से बहिष्कार, निकाल दिया गया है, वो शहर में नहीं रह सकता, बाहर बयाबान में उसको रहना पड़ता। परंतु परमेश्वर यीशु मसीह के पास जब वो आया, प्यार से भरा हुआ यीशु मसीह ने क्या कहा, कोढ़ी उससे, यीशु से आके विनती करने लगा, उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है।
और यीशु मसीह ने तरस खाया। He was moved with compassion. और ही उसने कहा, मैं चाहता हूँ, I will तू शुद्ध हो जा, I will that you be healed. ये परमेश्वर की इच्छा है, divine will, divine plan. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप अकेले नहीं हैं, यीशु आपको प्यार करता है, पसंद करता है। मेरे प्रियो, वो आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर देहधारी हुआ, पहला तिमोथी 3 और उसका 16 वचन कहता है, परमेश्वर देहधारी हुआ यीशु के रूप में। और कैसा था यीशु? परमेश्वर जो मानव रूप बन के आया इस दुनिया में, कैसा था? He was full of compassion, पूरा प्यार से, तरस से भरा हुआ था। ओ, भजन संहिता 86:15, भजन संहिता 103:8, भजन संहिता 111:4, भजन संहिता 116:5, भजन संहिता 145:8, और भी कई वचन में, योना 4:2 में, और भी कई सैकड़ों वचन में परमेश्वर तरस से भरा, करुणा से भरा, प्यार से भरा हुआ परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आप थक गए हो, आपका हो सकता है पाप हो, पाप के कारण, शराब सिगरेट के कारण आपके फेफड़े खराब हो गए हो, लिवर खराब हो गया हो, परमेश्वर नए अंग का निर्माण कर सकता है, क्योंकि उसने हमारे आपके शरीर को बनाया है। इज द मैन्युफैक्चरर मेकर, वो खराब अंगों को हटा के नए अंग डाल सकता है, नई किडनी, नए ओ हड्डियां, हालेलुया, ओ ओ नई ओ कोशिकाएं, आपके हृदय के वॉल्व खराब हो गए हो, डॉक्टर बोल रहे हो ओपन हार्ट सर्जरी कराना पड़ेगा, किडनी फेल हो गई हो, लिवर खराब हो गया हो, फेफड़ा खराब हो गया हो, यीशु की सामर्थ नया निर्माण कर रही है, न्यू ऑर्गन्स। और गॉड्स वर्ड इज द बेस्ट मेडिसिन। आप थक गए हो दवाइयां खा खा के, खुशखबरी, यीशु का वचन द बेस्ट मेडिसिन है। गॉड्स वर्ड इज द बेस्ट मेडिसिन, सबसे सर्वोत्तम, सबसे अच्छी दवाई है। खा ले कैसे? रोज सुबह उठ के उसे पढ़े, उसका वचन सुने। रोमियो 10:17 में लिखा हुआ है, विश्वास कैसे आता है? परमेश्वर का वचन से। और क्या लिखा हुआ, आइए हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब 10 और उसका 17 वचन। बड़ा प्यारा अद्भुत वचन है मेरे प्रियो, वहां दिया हुआ है कि अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। हालेलुया, जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको चंगाई जरूर यीशु मसीह देगा, क्योंकि उसने कोड़े खाए हैं और आपके लिए ये इच्छा है कि मेरे बच्चे लोग भले चंगे रहे, आपका वो खराब अंगों का नया निर्माण करके नया बना देगा, किडनी नए हो जाएंगे, ओ हृदय नया हो जाएगा, फेफड़ा नया हो जाएगा, हालेलुया, आपकी कोशिकाएं नई हो जाएंगी, हालेलुया, स्पॉन्डलाइटिस, साइटस, ओ हालेलुया, ओ माइग्रेन, मिर्गी का दौरा, अस्थमा, बवासीर, पाइल्स, बॉयल्स, ट्यूमर्स, कैंसर, ओ ब्लड प्रेशर, ब्लड डिजीज, रक्तस्राव, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, दूर होगा, ले ले, हालेलुया। एक प्रभु का दास था मेरे प्रियो, वो बड़ा प्रभु में आने से पहले, यीशु को ग्रहण करने से पहले बहुत ही संसारिक था, कई प्रकार से ओ नशे में और गलत आदतों में, गलत बंधनों में पड़ा हुआ था, सिगरेट, शराब, और एक दिन वो पाप, लिखा हुआ है पाप की मजदूरी मृत्यु है, वो जमाने में बीमार हो गया, इतना पी के सिगरेट का चेन स्मोकर था, हर 10 में सिगरेट पीता रहता था, और क्या हुआ, अस्पताल में भर्ती हो गया, उसके फेफड़े अंग खराब हो गए,
डॉक्टर ने बोल दिया मर जाओगे तुम। किसी ने, एक सुसमाचार प्रचारक ने, जब वो अस्पताल में पड़ा हुआ था, कोई होप नहीं, नो होप, हेल्पलेस, घर वाले भी साथ छोड़ दिए थे, अरे ये तो नशेड़ी है, मरेगा ही, कोई फायदा नहीं इलाज का, डॉक्टर भी बोल दिया गिवन अप, नो होप, कोई आशा नहीं। तब एक सुसमाचार प्रचारक आया और उसने जो भी बीमार थे वो अस्पताल में, उस सबको एक बाइबल दी। और वो जवान व्यक्ति जो नशे में का गुलाम था, नशे के कारण, शराब सिगरेट के कारण बीमार हो गया था, मृत्यु शैया पर पहुंच गया था, उसको शुभ संदेश मिला। और जब बाइबल उसने सोचा, अरे क्या है ये, सुसमाचार प्रचारक ने बताया था ये तुम्हारे भले चंगे रहने का कारण होगी, तुम चंगे हो जाओगे, इसे पढ़ो। जैसे नीति वचन 4:22 में वो लिखा हुआ है, उनके भले चंगे रहने का कारण होती है। ये मधु से भी मीठा वचन है। और नीति वचन 16:24 में लिखा हुआ है, मधुर वचन। ओ नीति वचन 16 और उसका 24वां वचन पढ़ेंगे। इंग्लिश में दिया हुआ है, प्लेजेंट वर्ड्स आर लाइक ए हनीकॉम, स्वीट टू द सोल एंड हेल्थ टू द बोन्स। यस, नीति वचन 16 और उसका 24 में लिखा हुआ है, मधुर शब्द, मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। यस, आपकी हड्डियों को हरी भरी करेगा और प्राणों को मीठा लगेगा। जब आपका प्राण खुश होगा, आप आनंद से भर जाएंगे मेरे प्रियो, और आपको चंगाई मिल जाएगी। हालेलुया। यस मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन ओ आपको आनंद देगा, खुशी देगा, मिठास देगा। आपकी कड़वाहट, आपकी कटुता, जो अन्याय, जो शोषण, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक शोषण हुआ है, जो अपमान, निरादर आपने सहा है, वो दूर होगा। बाइबल में नीति वचन 17:22 में लिखा हुआ है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, अच्छी दवाई है मन का आनंद। और कौन आनंद देगा? परमेश्वर का वचन, यीशु आनंद देगा। परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है, मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है, नीति वचन 17:22 में दिया हुआ है। और फिर नीति वचन 15 और उसका 13 में भी हम देखते हैं, और 15 में भी देखते हैं। नीति वचन 15 उसका 13 और 15 में, मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। यस, मन आनंदित होने से मुख पर, आपके चेहरे पर प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख होने से आत्मा निराश हो जाती है। दुखियारे के सब दिन, 15वां वचन कहता है, दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोजन में जाता है। हालेलुया। आप नित्य भोजन में जाएंगे मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया। वो जो नशेड़ी जवान था, अस्पताल में मरने को पड़ा हुआ था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, नो होप, डॉक्टर हैड गिवन अप, नो होप, उसने ये बाइबल उठाया और पढ़ा तो निकला नीति वचन 4:22। हालेलुया। नीति वचन 4:22 पढ़ के वो आश्चर्यचकित हो गया। लिखा हुआ है नीति वचन 4:22 में, क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। आपके जीवित रहने का, आपके जीवित रहने का, आपके शरीर, सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होगी। और वो रोज ये दवाई को लेने लगा, गॉड्स वर्ड, द बेस्ट मेडिसिन, ओ द बेस्ट मेडिसिन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन वो पढ़ने लगा, खाने लगा। बाइबल में यीशु ने कहा है, मनुष्य केवल रोटी से, संसारिक रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है
जीवित रहेगा। मत्ती 4:4 में यीशु ने कहा आप जीवित रहेंगे। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, आइए प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, धन्यवाद आपने अपने वचन को भेज के उन्हें आप चंगा कर रहे हैं, चंगा कर रहे हैं। उनकी बीमारियां, उनकी दुर्बलता, उनका सारे रोग, साइनस का, ओ स्पॉन्डलाइटिस, माइग्रेन, ट्यूमर, रसौलियां, गांठें, ओ दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, पीठ दर्द, सिर दर्द गायब हो रहा है, दूर हो रहा है। ओ यू आर सेटिंग देम फ्री। थैंक यू जीसस, प्रेशियस जीसस, वंडरफुल जीसस, लॉर्ड जीसस। प्यारे यीशु, हर एक भाई, हर एक बहन को अपने गले से लगा, चूम और उन पर अपने लहूलुहान चंगाई भरे हाथों को रखकर अपने प्यार का, अपनी करुणा का स्पर्श कर और उन्हें छू कर चंगाई दे, चंगाई दे। धन्यवाद आपने ऐसा कर दिया है। मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपकी तारीफ करता हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद दे, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपने मुझे चंगा कर दिया, मैं जीवित रहूंगा, मैं ना मरूंगा परंतु जीवित रहूंगा। भजन संहिता 118:17 के अनुसार और परमेश्वर के अद्भुत कामों का वर्णन करूंगा। यस 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 यस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह का वचन आपको छुड़ा रहा है बीमारियों से, बंधनों से, नशे से। वो यीशु का लहू आपको शुद्ध पवित्र कर रहा है। पहला यूहन्ना 1:7-9 वचन के अनुसार ओ आप ओ के पाप धुल जा रहे हैं। यशया 1:18 के अनुसार आप एक नई सृष्टि बन जा रहे हैं। यू आर ए न्यू क्रिएशन, न्यू ऑर्गन्स आर बिंग डेवलप्ड। वो नए अंग आ रहे हैं, खराब अंगों को वो प्रत्यारोपण कर रहा है, हटा रहा है, ट्रांसप्लांट करके वो डैमेज्ड डिफेक्टिव ऑर्गन्स को निकाल के न्यू ब्रांड न्यू ऑर्गन्स दे रहा है, अंग दे रहा है, नए 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 नए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु प्यारे यीशु। हर एक भाई, हर एक बहन को छू, आशीष दे। यीशु के सामर्थी अद्भुत चमत्कारी चंगाई भरे मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। बाइबल रोज पढ़े, वचन सुने परमेश्वर का, अब भले चंगे रहेंगे, बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। आमीन। धन्यवाद यीशु, यीशु आपको प्यार करता है। हालेलुया, आमीन।